चलो तो नेक्स्ट टॉपिक अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो देखो इसके लिए फ्री फॉल वाला एग्जांपल लेंगे सबसे इजी, ठीक है। मान लो ये सेम एग्जांपल पिछली क्लास में जो हम लेके चल के, ये ग्राउंड अर्थ सरफेस बोल लो या जो भी, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल है ठीक है। इनिशियली ये यहाँ पे है, इनिशियली यहाँ पे है। कुछ देर बाद मान लो ये एच हाइट ऊपर चला गया, ये तुम्हारा फाइनल हो गया, हाइट तुम्हारा एच हो गया। इस बॉल का मास मान लो एम, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल जाने में, ठीक है, पहला बात यहाँ पे सिस्टम क्या है, अर्थ प्लस ब्लॉक। बोले ही थे पोटेंशियल एनर्जी जब भी तुम्हें डिफाइन करना है तुम्हारे पास कम से कम दो पार्टिकल होना चाहिए, तो ब्लॉक प्लस अर्थ को सिस्टम ले रहे हैं। तो अगर ये ब्लॉक है ये अर्थ है, दोनों को सिस्टम ले लिए, तो हमें पोटेंशियल डिफाइन करना, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स को आइडेंटिफाई करना था। इन दोनों के बीच अगर बाहर से बाउंड्री घेर दोगे तो अंदर का फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। वह ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों तरफ से लग रहा होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ब्लॉक भी लगा रहा होगा इस पे एमजी जो कि तुम जानते हो, अर्थ भी लगा रहा होगा ब्लॉक पे एमजी, इक्वल मैग्नीट्यूड का बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर हम दिखाना चाहें कुछ वैसा, तो यहीं पे हम मान लो एक्सीडेंट को, जस्ट एक्सीडेंट को अर्थ का ये बना देते हैं छोटा सा समझने को, ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा अर्थ है, क्या होगा, अर्थ इस पे लगाएगा नीचे की तरफ एमजी फोर्स, जो भी तुम्हारा बॉल है उस पे। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ बॉल भी अर्थ को ऊपर के तरफ खींचेगा एमजी से, एमजी से। और हम जानते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और यहाँ पे ये दोनों इंटरनल होगा, सिस्टम मेरा ब्लॉक प्लस अर्थ दोनों है। तो मेरे पास सीन क्लियर है कि हाँ सिस्टम मेरे पास अर्थ है और ब्लॉक है, उसके अंदर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स भी दिखा दिए, डायरेक्शन भी दिखा दिए, सिस्टम कहां से कहां गया वो भी हमें दिख रहा है, इनिशियल कहां था ये बॉल अर्थ सरफेस पे, और फाइनली ये चाइट ऊपर ग्राउंड से चला गया। तो इनिशियल टू फाइनल जाने पे यह इक्वेशन हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, इंटरनल फोर्स है, कंजर्वेटिव भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो दूसरी बात, सिस्टम भी हम डिफाइन कर रखा है, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम। तो जब भी पोटेंशियल डिफाइन करना हो सिस्टम क्लियर करो माइंड में क्या है सिस्टम, दूसरा तुम्हारा इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है वो ध्यान देना। तो दोनों चीज यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ सिस्टम अर्थ प्लस ब्लॉक एंड इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हारा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आता है इक्वेशन में अप्लाई करते हैं सिंपल सिंपल फॉर्मूला, जो आना होगा वो आ जाएगा। तो यूएफ माइनस यू है, ये तो ऐसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं है। इसमें कोई चेंज नहीं, यूएफ माइनस यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, इज इक्वल टू होगा निगेटिव ऑफ वर्क डन, उस दिन यही हो रहा था माइनस साइन, हम लोग शायद नहीं ले रहे, माइनस फॉर्मूला में भी है यार ध्यान दो, डेफिनेशन में भी माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स टोटल। इसका भी लेंगे एक्शन का भी वर्क डन, रिएक्शन का भी वर्क डन। तो जो ब्लॉक पे एमजी लग रहा है वह कितना वर्क करेगा, तो बोलोगे भैया ब्लॉक जो है एच हाइट ऊपर गया और ग्रेविटी लग रहा है नीचे, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, माइनस एमजी, बिल्कुल सही, एमजी नीचे और ये जा रहा है ऊपर, कुछ ऐसा हो गया ऊपर की तरफ एच लग रहा है, एट हाइट जा रहा है ये, और फोर्स उस पर लग रहा है नीचे की तरफ। बोलो भैया वर्डन जो आएगा वो एमजी इंटू एच इंटू कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो सीधा नाम लिख रहे हैं माइनस एमजी एच वर्डन आएगा। ये तो इसका वर्क हो गया, हम बोलेंगे भाई अर्थ पे भी तो लग रहा है एमजी, तो अर्थ पे भी तो वर्क होने का चांस है, तो बोलो भैया वर्क भले ही अर्थ पे एमजी फोर्स लग रहा है बट अर्थ तो मूव करेगा नेग्लिजिबल, डिस्प्लेसमेंट जीरो अर्थ का, तो इसलिए अर्थ पे कोई वर्क नहीं होगा। बट अगर सच में बोले तो तुम्हें अर्थ पे भी वर्क ध्यान देना चाहिए, दोनों फोर्सेस का वर्क ऐड करना है, डेफिनेशन में टोटल वर्क यूज किया था। तो यहां से देखो तुम्हारे पास आ गया UF माइनस UI इज इक्वल टू प्लस MGH, हम डायरेक्ट अब इसको हटा रहे हैं, लिख लेना कोई में लिखना हो तुम लोगों को तो अपना इस तरीके से,
माइनस माइनस प्लस, तो तुम्हें ये पता चल गया कि फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, बोलो MGH इनिशियल, हम देख रहे यहाँ पे दिए ये इनिशियल और ये फाइनल है। अगर हम बोले तुमको यहाँ से कि इसको माइनस आई को उधर ला दो, प्लस यू आई कर दो, ठीक है, ये इक्वेशन वही इक्वेशन है। अब आता है इस इक्वेशन में अपने को यूएफ और यूआई अगर बोलना है तो उसका वैल्यू कैसे बोलें, तो कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, इक्वेशन एक वेरिएबल दो है, तुम दोनों वेरिएबल का वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, एक वेरिएबल कम से कम तुम्हें अज्यूम जीरो पर करना होगा। तो ये जो तुम कर रहे हो यूएफ और यूआई डिफाइन कर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, किसी एक पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल वो हमें बताओ, यूआई कितना है, यूएफ कितना है, जब यहाँ पे था तब कितना है। तो ये जो तुम डिफाइन करो जबरदस्ती डिफाइन करो, कुछ लोग इसको अपोज भी करता है, होता है कि इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन अपने पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही है, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहे हो कोई सेंस नहीं है, बट हाँ जबरदस्ती अगर डिफाइन करना है जो किया जाता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पे कितना है, तो तुम्हें यही लेना है किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मानो, उसको बोलते हैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, और उस वैल्यू को कितना मान लेते हैं जीरो। तो अगर हम ये ग्राउंड को जस्ट रेफरेंस मान लें, ऐसे कॉपी में दिखाना तुम लोग रेफरेंस करके, और यह रेफरेंस आर्बिट्ररी है, ऐसा नहीं है कि हम इसी को लेंगे तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको मान लो रेफरेंस, और रेफरेंस पे हम लोग मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना जीरो, U इज इक्वल टू जीरो। अब बोलो भैया हाँ अब हमें पता चल गया U इनिशियल जीरो है, तो अगर इसको जीरो मान लेते हैं, अगर इसको जीरो एक सेकंड को मान लेते हैं, तो मेरे पास UF is equal to MGH आ जाएगा, मतलब जमीन से ये H height ऊपर होगा, तो इसका potential energy हम बोल सकते हैं MGH होगा, assuming that जब ये earth surface पे था तो इसका potential energy जीरो था, ये assumption अपना underline assumption है, ये तुम underline assumption ले रहे हो कि जब earth surface पे तो potential energy जीरो है, तब तुम बोल सकते हो कि H height पे उसका potential कितना होगा MGH। अब हम तुमसे बोले हम यहाँ पे जीरो नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 50, तो तुम बोलोगे भैया तब UF हो जाएगा MGH प्लस 50, से ध्यान रखना ये करवाए हुआ है IIT में करवाए हुआ है, तो अगर जीरो के बदले कुछ और तुमसे वो अज्यूम करवा ले, तो तुम जो फॉर्मूला याद किए वो निकाल लो, उसे फाइनल आंसर में ऐड कर दो। हालांकि ये मैकेनिक्स में नहीं करवाया हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है तुम्हें फिजिक्स में, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार जगह रखा, तो वहां पे वो करवाया हुआ, तो बोले हुआ था कि अज्यूम करो रेफरेंस में मान रहे हैं 10 जूल का ये पोटेंशियल एनर्जी, अब बताओ वहां पे कितना होगा, तो फॉर्मूला जो अपने पास रेडीमेड बच्चा लोग याद किया हुआ तो उसको चेंज वहां पे करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा 10 है वो ऐड करके ऑप्शन में लगाना, तो हालांकि वो तो सिंपल है हो जाता है, फिर में ध्यान रखना ये तुम्हारा अजम्पशन है, ये चेंज किया जा सकता है कभी भी, कोई ऐसा नहीं है कि हमें यही ही लेना, ये ध्यान रखना। तो अज्यूम कर लिए जीरो, और इसलिए हम यहाँ पे अब तुम लिख सकते हो यहाँ पे नीचे, तो ये जो तुम यूएफ और यूआई निकाल रहे हो ये किसी एक पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो सबसे पहले हम डिफाइन किए चेंज, असली चीज वही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और किसी एक पॉइंट पे चाहिए पॉइंट यूआई कितना है यूएफ कितना है, उसके लिए हम लोग किसी एक को अजम्पशन लेते हैं, रेफरेंस पोटेंशियल रेफरेंस लाइन मानते हैं, और वहां पे बोलते हैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी मेरा वैल्यू जीरो है, और फिर दूसरे का वैल्यू इक्वेशन से निकाल लेते। चलो तो ये थोड़ा फॉर्मूला आ गया, यूएफ इज इक्वल टू एमजीएच लिख लो, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अपने पास आ गया सिंपल सिंपल यू एच, हम लिखते सिंपल वो सिंपल के लिए, एच हाइट पे अगर है ऊपर एच हाइट गया तो एमजीएच होगा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब, अज्यूम करते हुए जब अर्थ सरफेस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था जीरो, जस्ट अजम्पशन है, जीरो ही क्यों लिए, ऐसे ही ले लिए, तुम 10 लो कोई फर्क नहीं पड़ता, अज्यूमिंग पिछले क्लास में पूरी लिखवाए हुए तो लिख लो तुम लोग, अज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस टू बी जीरो, यह जम्पशन था, तो एच हाइट पे वैल्यू हो जाएगा एमजीएच जो तुम लोग का नाइन्थ में नोन है, और यह पोटेंशियल एनर्जी किसका है तो बोलोगे अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम का है, अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम का, बट हम लोग कन्वेंशनली सिंपली इसको बोल देते ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी पार्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी,
बट ध्यान रखना प्लस अर्थ उसमें अज्यूम्ड होता है, वाली क्वेश्चन वाला ना बोले, तुमको ये अज्यूम करके चलना है कि क्योंकि एक चीज के लिए तुम इंपोर्टेंस डिफाइन कर नहीं सकते, सिस्टम के लिए डिफाइन करते, डेफिनेशन ही देख लो। तो नाइन्थ क्लास में बोलते थे ना कि हाँ ये चीज गया यहाँ से वहां, तो उसका उसका नहीं हुआ, उसका प्लस अर्थ का हुआ। लेकिन चूंकि अर्थ मूव नहीं कर रहा है, इसलिए अर्थ हम लोग बार बार उस सिस्टम में ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, कहाँ गया ये नहीं यूज करते हैं। ये सी और राम है पैराग्राफ में लिखे हुआ, क्लियरली वो लिखे हुआ है कि हम लोग हैबिट में है कि ऐसे बोल देते हैं, बट सच में वो अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। और चूंकि अर्थ लगभग उसका कॉन्फिगरेशन ना के बराबर चेंज होता है, हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि वो ब्लॉक का ही पोटेंशियल एनर्जी है। चलो ठीक है, अब इस पे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। UH=mgh हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड तरह का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसको नोट करो, क्योंकि फॉर्मूले को अंडरलाइन कर लेना और यह लिख लेना कि अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम लोग कंसीडर किए हुए, तब ये फॉर्मूला सही है। अगर जीरो नहीं मानेंगे, कुछ और मानेंगे, तो एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा mgh प्लस दैट नंबर जो तुम अज्यूम किए हो। अगेन बोले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होने वाला है, पहले ही बोल देते हैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होने वाला है, इसे टेंशन मत लो, ठीक है। अगर हम इवन थ्योरी में इतना ज्यादा टाइम नहीं लें तब भी तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम होगा, हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व ऐसे भी। सेम फॉर्मूला सेम तरीका अप्लाई करेंगे हम स्प्रिंग फोर्स के लिए, बस इस फोर्स में एमजी ले रहे हैं, वहां पे के इंटू एक्स लेंगे। सेम फॉर्मूला लगा यूएफ माइनस यूएल लगाने वाले हैं, वहां पे भी एक रेफरेंस मानेंगे पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए। चलो तो ऐसा करते हैं, पहले इस पे एक एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा कर ले, या उसको खत्म ही कर देते, छोड़ो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोनों अपना ये हो जाए, क्लियर हो जाए। इसको अब करते हैं क्लियर, सब लोग लिख लियो, लिख ली मनीषा जी भैया, अंजलि लिख ली जी भैया, चलो सही है। फिर तो हम लोग दूसरा जो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उस पे आते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल था, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, बट मोस्टली स्प्रिंग ही यूज करते हैं, बोल सकते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो सेम चीज रिपीट करने वाले हैं, स्प्रिंग आ गया तो वही एक स्प्रिंग खींचेंगे, एक ब्लॉक अटैच करेंगे, डायग्राम अपना वही स्टैंडर्ड जो था। ये ब्लॉक ग्राउंड मान सकते हो, ब्लॉक कहां पे रखा हुआ है, किसी ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है ऐसा मान सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा किसी ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्वियसली लेना पड़ेगा के, मान लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। हम तुमसे बोले हैं इस स्प्रिंग को कुछ डिस्टेंस तक खींचे और यह ब्लॉक कहीं नए सिचुएशन में आ गया, ऐसा कुछ कंप्रेस भी कर सकते हो, इलोंगेट भी कर सकते हो, पीछे आगे जिधर भी तुम्हें मूवमेंट कंसिडर करना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मुझे थोड़ा पीछे ही कर देते हैं सेकंड को, थोड़ा पीछे ही लेते हैं, कंप्रेसा नहीं लेते, कुछ भी ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फॉर्मूला सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इनिशियल हो गया कॉन्फिगरेशन और फाइनल, जो इनिशियल फाइनल तुम्हें क्लियर होना चाहिए तभी तुम डिफरेंस का बात कर पाओगे उस फॉर्मूले में। मान लो ये कितना इधर लेफ्ट के तरफ हम खींचे इसको, एक्स पीछे कर दी, एक्स पीछे कर दी, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक सेकंड को तुम्हारा स्प्रिंग में जो चेंज इन लेंथ हुआ था नेचुरल से वो एक्स आई था, एक्स आई एक्सेप हम लोग जानते हैं ये एक्स आई था
और यहाँ पे मान लो फाइनली जो कुछ रिकम्प्रेशन या इलोंगेशन रहा होगा स्प्रिंग वो एक्सेप्ट है। फाइनल चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग और ये इनिशियल चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये डायग्राम हो गया। अब आते फॉर्मूला पे भाई, सिस्टम यहाँ से यहाँ गया तो ऑब्वियसली देखो ब्लॉक का लोकेशन चेंज हुआ, और स्प्रिंग फोर्स सब लोग जानते हो कि कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। अगर हम बोले ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को सिस्टम ले लो, ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को सिस्टम ले लो, तुम बोलोगे भैया स्प्रिंग फोर्स इंटरनल हो जाएगा जो इन दोनों के बीच लग रहा हो। तो सबसे पहला हमें क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम क्या है और इंटरनल फोर्स क्या है। ये हम लिख रहे हैं सिस्टम क्या है अपने पास, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं ब्लॉक प्लस स्प्रिंग, इसलिए इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी बोला जाता है। सिस्टम हो गया इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो भैया अब ये दोनों जहां से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ है स्प्रिंग, वहां पे क्या हो रहा होगा, के टाइम्स एक्स स्प्रिंग लगा रहा होगा किस पे, ब्लॉक पे, उसका रिएक्शन ब्लॉक भी लगा रहा होगा स्प्रिंग पे जो अभी तक मुंह ध्यान नहीं देते थे। तो दोनों जो लग रहा है एक्शन भी, जो इंटरनल फोर्सेज है तो दोनों लेना, एक्शन भी रिएक्शन भी, दोनों का वर्डन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले तो ये इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लिखते हैं, तो थ्योरी अच्छे समझ लेते हो तो क्वेश्चन करने का आधा काम तुम्हारा थ्योरी के टाइम ही खत्म हो जाता है। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है। अब आता है वो फॉर्मुला सिंपल सिंपल लगाने वाले हम लोग, यूएफ माइनस यूआई, UF माइनस इज इक्वल फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ वर्क डन टोटल वर्क डन, ये वर्क डन निकालो। तो तुम बोलोगे भैया स्प्रिंग का वर्क डन हमें पता है, फॉर्मूला रेडीमेड, माइनस तो फॉर्मूला ये माइनस ये वाला माइनस है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, डेरिवेशन भी किए हुए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, डेरिवेशन बार बार क्यों करेंगे। अब बोलो भैया ये तो स्प्रिंग वाला वर्क डन हो गया, इसका रिएक्शन स्प्रिंग पे कितना वर्क कर रहा होगा, जो ब्लॉक का फोर्स है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वह कितना वर्क कर रहा होगा, हम बोलेंगे वही अर्थ वाला हाल हो गया, स्प्रिंग भी वर्क कर ही नहीं पाएगा ये। अब तुम लोग बताओ क्यों, जीरो हो जाएगा वो, तो जो स्प्रिंग है क्वांटम, बोलो क्या रीजन होगा, स्प्रिंग का क्वांटम एप्लीकेशन नहीं चेंज होगा। क्यों ना, क्या बोल रहे हो यार, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है, कैसे नहीं चेंज होगा, दिख रहा है इतना आगे आ गया। देखो तो यहाँ पे थोड़ा पंगा है, कंफ्यूजन तुमको होगा, इसको कैसे सोचना है वो देखो गौर से, हमको भी फर्स्ट टाइम बहुत कंफ्यूजन हुआ था इस चीज में, फोर्स लग रहा है ये डिस्प्लेस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो क्यों ले रहे हैं, तो जीरो यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग तुम्हारा मासलेस है, तुम अज्यूम कर रहे हो, स्टार्टिंग एजम्पशन है मासलेस है, तो हाफ एम वी स्क्वायर उसका कितना, काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, जीरो। तो कुछ भी कर लो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहने वाला है, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हमेशा क्या होगा, जीरो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा था, इसमें वर्क कैसे कर लोगे तुम, तो वहां से जस्टिफिकेशन आता है। हालांकि प्रैक्टिकली बात करो तो कुछ ना कुछ मास होगा स्प्रिंग का, वर्क कुछ ना कुछ हो रहा होगा जो हम लोग थ्योरेटिकली इग्नोर कर रहे हैं, और तुम्हें करना है इग्नोर एग्जाम में भी, रीजन बता दिया होपफुली तुम लोगों को। अगर ऐसे सोचोगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी मूव कर रहा है, फोर्स भी लग रहा है, तो कुछ ना कुछ वर्क आएगा, बट ऐसे नहीं सोचना क्योंकि मास्टर अजम्पशन ले रहे हो। देखो सबसे पहला ये फैलेसी आ क्यों रहा है वो देखो गौर से, सबसे पहले ये तुम अजम्पशन ले रहे हो कि मासलेस है स्प्रिंग, कोई ऑब्जेक्ट है जो मासलेस है और वो फोर्स भी लगा रहा है, मासलेस है मतलब तो मास ही नहीं है उसके पास, तो फिर वो केस लगा कैसे रहा है, ठीक है। तो
थोड़ा सा इसलिए वैसा आ रहा है जो तुम अजम्पशन में वही तुम्हारा 100% एक्यूरेट नहीं है। स्प्रिंग को मासलेस मानना ही पूरा पूरा सही नहीं है, लगभग तुम मान ले तो मासलेस, पर वो सच में मासलेस थोड़ी ना। तो मासलेस मानते हुए यह चीज है यहाँ उसका उस पर वर्क तुम नहीं कर पाओगे। तो ये भी ध्यान रख सकते हो कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट हो इस दुनिया का, हालांकि मासलेस ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, बट अगर तुम अजम्पशन लेते हो थ्योरेटिकली तो उसपे टोटल बर्डन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, भले ही वो लाख मीटर पर सेकंड चले बट मास ही जीरो तुम मान रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा नहीं। और बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वर्क डन को भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा। ये ध्यान रख सकते, इसको हटाने वाले सेम का सेम लिख लेना, लिखना हो तो ठीक है। बहुत लोग देखो ये सोचता भी नहीं, पहले बोल देते हैं बहुत लोग, बहुत टीचर्स भी एक्सप्लेन करते हैं इसी को जाते भी नहीं है, सीधा वो लिखेंगे हाँ माइनस हाफ के, ये बोलेंगे नहीं कि प्लस जीरो वाला चीज यहाँ पे सोचना है, ठीक है। ये बोलते भी नहीं, बहुत लोग फर्क पड़ता भी नहीं है, क्वेश्चन भी सॉल्व होता फर्क पड़ता नहीं, बट रियलिटी बच्चे को पता नहीं चल पाता। फंक्शन जब चेंज होता है, हालांकि आगे जाओगे तो फिर तुम्हें ये प्लस जीरो वाला टर्म अगर चेंज होगा तो वो भी लेना पड़ेगा, हटाओ इसको हटा रहे, पर ध्यान रखना दोनों का लेना होता है। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब अगेन ये तो चेंज आया यू एफ माइनस यू आई, अब आता है क्वेश्चन कि हम यूएफ निकालना है कैसे निकालना, बोलेंगे माइनस यूआई को इधर लाओ प्लस यूआई इधर कर दो, और यूआई को अज्यूम कर लो यूएफ चाहिए तो। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे होता है उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, मतलब वैसा स्टेज जहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे ना इलोंगेशन है और ना ही कंप्रेशन है, उस स्टेज पे हम लोग मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो इसको मान लो जीरो कब, जब वो अपने नेचुरल लेंथ पे है, उसको रेफरेंस बोल देते हैं, सिमिलर टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसी को रेफरेंस लेंगे तो काम बनेगा क्या, कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी मानो फर्क नहीं पड़ता। तो ये अभी हम लोग जो जनरली लिया जाता है बुक्स वगैरह में भी स्टैंडर्ड अजम्पशन है वही है कि यूआई जीरो मानते हैं और अपने पास फॉर्मूला आता है। अब क्या है फॉर्मूला देखो तो एक बार हम इसको तोड़ के नीचे लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा तुम लोग फॉलो कर पाओगे। इज इक्वल टू, अब देखो गौर से, सॉरी ये छोटा हो गया, यहाँ पे देखो गौर से, हम इनिशियल किसको बोले हैं, नेचुरल लेंथ वाले को, तो एक्स आई कितना हो जाएगा जीरो, जब नेचुरल लेंथ पे तो कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा माइनस माइनस प्लस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर, हाफ के एक्स फाइनल, सॉरी यार एक्स फाइनल, एक्स फाइनल स्क्वायर, समझ रहे हो सीधा सही हो जाएगा। और यू आई तो तुम जीरो मान ही लियो, ये फॉर्मूला लिखो यू का सीधा सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर, एफ को भी हटा दो, अब यही तुम्हारा फॉर्मूला जो घेरो पहले, फिर हम इसको लिखवाते हैं वो जम्पशन जो है वो लिखवाते हैं कॉपी में, इसको घेर लो तुम्हारे दिमाग में यही हमेशा के लिए होना चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर यहां पर लिख लेना, assuming assuming that assuming that the spring potential energy at the natural length to be zero, और उस natural length पर तुम बोलोगे भैया हमको जीरो नहीं मानना, हमको 50 मानना है, तो हम बोलेंगे ठीक है इस फॉर्मूले में 50 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, assuming that the spring potential energy at its natural length to be zero, यह assumption ले रहे हैं, ये फॉर्मूला आपने पास रेडीमेड आ गया, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। मीटिंग 2 मिनट में एंड होने वाला है ठीक है, तो नोट करो इसको
और एक एग्जांपल सिंपल सा करवाने वाले हैं हम, इसको पहले करो। अगेन बोल दे क्वेश्चन, तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला याद है उससे भी हो जाएगा, ठीक है? इतना ज्यादा डीप में सोचने का जरूरत नहीं है, बट जस्ट अभी स्टार्ट किया, मैं हमेशा स्टार्ट से बेसिक से हम करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते भी है तो मेरा वही आदत है। लिख लिए सब लोग? जी भैया। चलो ठीक है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं, वापस लिंक जनरेट करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग सिंपल, देखना कितना इजी क्वेश्चन होने वाला है।